ये देखो। तो ये देखो यार। हेलो एवरीवन, दिस इज समर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं आज करोल बाग दिलोरी मोटर्स पे, और जो आज की गाड़ी होने वाली है इस वीडियो की खास, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑडी चार छल्ले, ऑडी A6। ये गाड़ी आज हम एक्सप्लोर करेंगे, इसकी सारी डिटेल देंगे और कितने पैसों में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, इसके सारी स्पेसिफिकेशन देंगे अक्षित भाई दिलोरी मोटर्स के ऑनर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अक्षित भाई से, इसकी सारी डिटेल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अक्षित भाई जुड़ चुके हैं, क्या हाल? बढ़िया 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 है ना? हाँ जी। तो मतलब आज लग्जरी लेकर आ गए, जो कमेंट आ रहे थे कि भाई लग्जरी की वीडियो दिखाओ, लग्जरी की बनाओ, कमेंट्स में काफी सारे आया कि लग्जरी गाड़ी की वीडियो भी होनी चाहिए। तो उसके लिए सेडान में सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल गाड़ी रहती है लग्जरी में, अच्छा, ऑडी की A6 ही रहती है। A6 रहती है ना, A4 ना A8, A6 सबसे ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी रहती है। अच्छा। न्यू कार में भी और यूज्ड कार में भी, मतलब रनिंग प्रोडक्ट लेकर आयो कि बिल्कुल बिल्कुल निकले जल्दी से, जल्दी जल्दी तभी आएगी नई वाली। बिल्कुल, इसके बदले में तभी तो नई वाली आएंगी और गाड़ियाँ आपके लिए। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट कर देते हैं अक्षित भाई, UK07 से। UK07 AW0007 गाड़ी का नंबर है देहरादून का, और VIP नंबर है गाड़ी का। देहरादून का UK07 देहरादून का नंबर है, और VIP VIP नंबर है। बिल्कुल, जो उस गाड़ी लेगा उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनको NOC भी चाहिए, NOC मिल जाएगी जी। तो दिलोरी मोटर्स पे NOC वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी यार अक्षित भाई, 24 घंटे बैठे हैं, जब बोलोगे जब गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी आपके नाम पे। तो आओ सबसे पहले दिखाता हूँ उस गाड़ी के टायर जो ब्रांड न्यू होने वाले हैं। तो अक्षित भाई टायर देख लो यहाँ पे, हमने मतलब हैंड घुमा के, ये चारों टायर इसके ब्रांड न्यू है, इसी टाइप में चारों टायर हैं इसके, ब्रांड न्यू टायर्स मिलेंगे आपको। अच्छा, इसी टाइप में चारों, और ये क्या अलॉय मिल जाते हैं? अलॉय व्हील्स इसमें मिलेंगे आपको, चारों अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे गाड़ी में। गाड़ी पे आपको देखोगे कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा गाड़ी पे, कोई स्क्रैचलेस गाड़ी है। इस गाड़ी में दो बम्पर पेंट है, आगे और पीछे के दो बम्पर पेंट है। इस पे जो एक ये स्क्रैच है वो एज इट इज है, क्योंकि ताकि गाड़ी ओरिजिनल रहे। इसके लिए हमने स्क्रैच रिमूव नहीं कराया, ना ये पेंट कराया कुछ भी। अच्छा। बॉडी पे इसका कोई भी पेंट नहीं है पीस, बस बम्पर पेंट है, वो फाइबर का है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है वो। अच्छा। और ये आप देख सकते हो पीछे से इसका A6 है ये, 2.0 TDI का मतलब है 2000 CC इंजन है इसका गाड़ी का। अच्छा। और TDI डीजल में है, ये डीजल में गाड़ी है ये वाली। इसके चारों टायर आप देख सकते हो, इस टायर की कंडीशन भी देखिए आप जी। टायर की कंडीशन आपको चारों की ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू कंडीशन है। ये कंपनी फिटेड आपको इसमें क्रोम मिल जाता है। अच्छा। और सनरूफ तो इसके सबसे खास बात है, वो तो है ही है ऑडी की। ऑडी में सनरूफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये ऑडी की खास बात है ये वाली। और अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पे आते हैं, सबसे पहले इसमें जो आपको मिलेंगे ये सारे DRLs मिलेंगे आपको, सारे DRLs मिलेंगे। दोनों हेडलैम्प्स में आपको ज़ेनॉन के DRL मिलेंगे आपको, ज़ेनॉन के DRL लैम्प्स लगे हुए हैं इसमें, और इसमें वॉशर भी है। अच्छा। विद इन इसमें वॉशर है एक, जिससे आपकी हेडलाइट साफ़ हो जाती हैं। साफ हो जाती है। बिल्कुल, वॉशर भी मिलेगा इसमें आपको। जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बेस्ट लुक आती है वो DRLs के साथ ही आती है। अब गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे आते हैं, बैक प्रोफाइल में आपको दोनों लाइट्स में LED इसमें ऑलरेडी मिलेंगी, LED इसके फ्रंट्स में भी है, बैक में भी है, दोनों तरफ LED मिलेगी। इसकी कीलेस एंट्री होगी, गाड़ी की कीलेस एंट्री, इसकी दोनों चाबी आपको मिल जाएंगी, अनयूज्ड है दूसरी चाबी इसकी। अच्छा। अब गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं, ये डिक्की यहीं से खुल जाएगी इसकी जी। तो बूट स्पेस की बात करते हैं यार, का हैवी, बहुत ज्यादा हैवी इसका बूट स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस इसका 500 लीटर प्लस है, 500 लीटर प्लस है। इसकी स्टेपनी के टायर की बात करेंगे अगर हम जी, ये देखो, ओए होए, एकदम ब्रांड न्यू टायर पड़ा है स्टेपनी का भी। स्टेपनी का ब्रांड न्यू टायर है, अनयूज्ड इसके सारे टूल्स हैं जी, और गाड़ी एकदम
अच्छी कंडीशन में है, पांचवा अलॉय व्हील नहीं आता, पांचवा अलॉय व्हील कंपनी से नहीं आता, ना टॉप मॉडल में भी नहीं आता ना इसमें आता। अच्छा, टॉप मॉडल में भी नहीं आता। ये ऑडी A6 जो है ये प्रीमियम प्लस है, प्रीमियम प्लस है। ये 2013 फरवरी की गाड़ी है, 2013 फरवरी की गाड़ी है ये वाली। अच्छा, और गाड़ी चली है 47,000 miles, 47,000 miles चली है गाड़ी। अच्छा, और अब यहाँ पे इसका अगर हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, मैं आपको इसका बोनेट खोल के दिखाता हूँ गाड़ी का जी। ये देखो इसका बोनेट, तो यार ये इंजन की कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑडी TDI डीजल में। और यार अक्षित भाई सारे पार्ट्स कंपनी के हैं ना ये? सारे पार्ट्स कंपनी के हैं। अच्छा। और ये सील्ड इंजन है पूरा, पूरा सील्ड, कहीं से लगी नहीं, नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी है, पूरी गारंटी नॉन एक्सीडेंटल की, पूरा सील्ड इंजन है ऊपर से लेके नीचे तक। आप ये देख सकते हैं फ्रंट, ये देख सकते हैं इतना हैवी आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। अक्षित भाई ये तो इसका कवर है, 2000cc का इंजन इतना ही बड़ा मिलेगा आपको। अच्छा, 2000cc का इंजन काफी अच्छा इंजन होता है। अच्छा। वो पिकअप वाइज भी काफी अच्छा इंजन होता है, लेकिन 2000cc के इंजन की एवरेज थोड़ी कम आएगी, क्योंकि एवरेज कम आएगी। वैसे भी ऑडी है ये, इसकी एवरेज अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी 10-11 की, 10-11 की ऑडी की एवरेज आएगी। तो अक्षित भाई अब इंजन तो देख लिया, इसकी कंडीशन भी देख ली, तो इंटीरियर देखे अंदर, गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको जी। तो आ गए अपने भाइयों को गाड़ी के अंदर लेके, गाड़ी की प्रोफाइल अंदर से क्या होने वाली है। तो अक्षित भाई स्टार्ट कर दो, यहाँ पे इतने सारे फीचर्स दिख रहे हैं। फीचर्स तो इसमें मैं आपको गिनाता रह जाऊँगा, काफ़ी फीचर्स हैं गाड़ी में, काफ़ी फीचर्स हैं इसमें। सबसे पहले एक सबसे मेन फीचर जो है इसकी फोल्डिंग स्क्रीन आती है। अच्छा, ये इसकी की है, कीलेस एंट्री है गाड़ी की जी। आपने बस यहाँ पे बटन दबाना, ये वाला गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और ये स्क्रीन आपके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, बस एक बटन और स्क्रीन, गाड़ी स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल सारी गाड़ी हो जाएगी, बिल्कुल सारी गाड़ी हो जाएगी। इससे गाड़ी आपकी बंद भी हो जाएगी और ये स्क्रीन वापस फोल्डिंग स्क्रीन मिलेगी आपको। अच्छा, फोल्डिंग स्क्रीन मिलेगी, फोल्डिंग स्क्रीन मिलेगी आपको गाड़ी की जी। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी मिलेगी आपको, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है ये। इसमें हैंड ब्रेक्स है, अच्छा हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक होती है गाड़ी में जी। और इसमें जो इसमें ये चीज़ आप देख रहे हो जी, ये स्क्रीन सेट करने के लिए है। अच्छा, स्क्रीन सेट करने के लिए ये वॉल्यूम का बटन मिलेगा आपको जी। और बाकी सारे फीचर्स आपको सारे इसमें मिलेंगे, इनबिल्ट। और ये वुडन की पॉलिशिंग इसमें अलग से हुई हुई है, यहाँ पे भी पूरी अलग से हुई है, चारों डोर पे मिल जाएगी आपको इसमें। अच्छा, और इसमें आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल AC जी, और इसमें फैन भी इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा आपको जी। इसमें आपको AC के वेंट्स जो हैं वो पीछे की साइड भी मिल जाएंगे सारे। अच्छा, और ब्लैक कलर का इंटीरियर होगा गाड़ी का जी। क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको गाड़ी में जी। और आपको गाड़ी में स्टार्ट करके दिखाता हूँ, गाड़ी यहाँ पे चली है 47,000 miles, 47,000 miles गाड़ी चली है जी। गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर और ये स्क्रीन आ गई, इंटीरियर पे फिनिशिंग मिल जाती है, इंटीरियर पे फिनिशिंग मिल जाएंगी आपको जी। ये इसका सारा, ये लाइटिंग्स सारी, ये साइड सारी लाइटिंग्स अलग से नहीं है, ये कंपनी फिटेड ही आती है सारी। जो कंपनी फिटेड सारी लाइटिंग्स मिलेंगी आपको। अच्छा, इसमें आपको काफी स्पेस भी मिल जाएगी इसमें। अच्छा। HDMI वायर का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, आपको पावर आउटलेट का आपको इसमें मिल जाएगा सॉकेट। अच्छा, और आपको कप होल्डर मिल जाएगा इसमें, यहाँ पे डुअल कप होल्डर मिल जाएगा, डुअल कप होल्डर है जी। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ये इसमें भी थोड़ी स्पेस है, ये गाड़ी का लाइटर है। अच्छा, और इसमें मस्ट ही है पावर विंडोज में, चारों मस्ट है वो तो। अच्छा, और गाड़ी में एयर बैग्स की बात कर ले तो अक्षित भाई कितने एयर बैग्स मिल जाएगा इस गाड़ी में? आपको चार एयर बैग्स मिलेंगे, चार स्टेयरिंग, डैशबोर्ड और दो पीछे पिलर, दो एक यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे भी होगा, अरे यहाँ पर, हाँ जी जी। और ये ऊपर से इस गाड़ी का जो मेन ऑडी का फीचर्स है वो है सनरूफ, सनरूफ का है ये, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ गाड़ी का। ये देखो, तो ये देखो यार ऑडी सनरूफ ओपन हो गया है, अब इसे क्लोज कर दो अक्षित भाई। तो इजीली एक बटन दबानी है ओपन और एक बटन दबानी है, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज, सारे आपके फीचर्स ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है ये वाली, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है ये वाली जी। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है गाड़ी में जी, एक बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं इस गाड़ी में, सारे काम हो जाते हैं, बस होटल की तरह पूरी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आरामदायक, सारी इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं जी। तो गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन दे दे अक्षित भाई ने अंदर बैठ कर, और बाहर से भी मॉडल के बता दे, लेकिन एक बार अक्षित भाई हमारे व्यूवर्स को दोबारा से इस गाड़ी के जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो बता दो। इसकी स्पेसिफिकेशन में आती है 2013 फरवरी की गाड़ी है ये वाली, डीजल में है गाड़ी जी। 47,000 miles चली है गाड़ी ये वाली।
UK07 देहरादून रजिस्टर्ड है गाड़ी, UK07 बिल्कुल देहरादून रजिस्टर्ड है, 0007 गाड़ी का नंबर है जो VIP नंबर है, VIP नंबर है। अक्षित भाई नई गाड़ी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ऑडी A6 कितने पैसों में आती है? नई गाड़ी ऑडी A6 जो आज के टाइम पे आ रही होगी वो आ रही होगी 60 लाख रुपए की ऑडी A6 आज के टाइम पे आ रही होगी, बिल्कुल। और अगर दिलोरी मोटर्स पे इस गाड़ी के हम आस्किंग प्राइस की बात करते हैं तो क्या होंगे? सर इसका आस्किंग प्राइस जो मांगने वाले प्राइस हैं वो 14.5 लाख रुपए हैं। गाड़ी आपको मिलेगी एक ही प्राइस 1375 की, 13,75,000 रुपये की गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो मांगने वाले प्राइस तो वैसे 14.5 लाख रुपए हैं लेकिन आपको दिलोरी मोटर्स पे ये गाड़ी मिल जाएगी 13,75,000 रुपए की, बिल्कुल आपको 13,75,000 रुपए की गाड़ी मिल जाएगी अगली। हाँ जी, और सारे पेपर कम्प्लीट है? सारे पेपर कम्प्लीट मिलेंगे आपको गाड़ी के। अच्छा, कोई भी आपको इसमें कुछ चीज़ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंश्योरेंस भी मिल जाएगी गाड़ी की, दूसरी चाबी मिल जाएगी। हाँ जी, तो दूसरी चाबी जो मेन होती है गाड़ियों की वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑडी A6 की। तो 13,75,000 रुपये इस गाड़ी के लेने देने वाले प्राइस दिलोरी मोटर्स पे। तो जिसको भी ये डील क्रैक करनी हो जल्दी से जल्दी आ जाए दिलोरी मोटर्स पे और लेकर जाए अपनी ये लग्जरी गाड़ी VIP नंबर के साथ। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी ही किसी एक गाड़ी के साथ, दिलोरी मोटर्स के साथ, अक्षित भाई के साथ, बिल्कुल। तो यार वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।